हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्पेशल थाली जो मैं अपने बेटे के लिए बनाऊंगी। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़े बहुत पल जो मैं वेकेशन में अपने बेटे के साथ स्पेंड कर रही हूँ, किस तरह से उसकी छुट्टियाँ जा रही हैं। और अभी फ्राइडे है आज, और फ्राइडे की शाम का ये वीडियो है और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। तो अनंत है मेरे बेटे का नाम, उसकी फरमाइश है कि कल सैटरडे को मैं उसे मूवी लेके जाऊं, साथ ही उसका फेवरेट लंच भी रेडी करूं। तो उसकी रिक्वेस्ट जो है वही मैं इस वीडियो में फुलफ़िल करने वाली हूं। तो देखते हैं किस तरह का रहता है सैटरडे का पूरा दिन, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो मैं शुरू करूंगी कुकिंग के साथ, और कुकिंग स्पेशल थाली की। स्पेशल थाली बहुत ज़्यादा स्पेशल आप नहीं कह सकते, लेकिन वही छोटी मोटी जो फरमाइशें बच्चों की रहती हैं, बच्चों की पसंद की चीज़ें, वही मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ। और बहुत सिंपल से फरमाइश है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये थाली को बनाना। यहाँ पर मैं छोले बना रही हूँ, तो छोले ये मैंने सोक कर लिए हैं रात भर, और उसके बाद अब से एक टी बैग डाल के, थोड़े से खड़े मसाले डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के हम बॉईल कर लेंगे 4 से 5 सीटी तक। उसके बाद हम थोड़ी सी चॉपिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं टमाटर चॉप कर रही हूँ, थोड़े से मैंने यहाँ पर अनियन चॉप किए हैं, थोड़ी सी गार्लिक, ग्रीन चिली है, और यहाँ पर मैंगो लिया है थोड़ा सा चॉप करके। सबसे पहले हम पैन हीट अप कर लेंगे और उसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा बटर। छोले हमारे बॉईल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा उनमें कलर आ गया है टी बैग डालने की वजह से। इसमें 2 चिली हमने ऐड कर दी है, तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे और इस सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। दो तीन गार्लिक क्लोव्स मैंने चॉप की हैं, वो डालेंगे और इसमें अनियन ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कुक होने देंगे। जैसे ही अनियन हमारे भुन जाते हैं, इसमें हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी। साथ में धनिया, मिर्ची और हल्दी मैंने इसमें ऐड की है। नमक मैंने बॉईल करते हुए डाला था, तो वो मैं इस टाइम नहीं डालूंगी। और इसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच चना मसाला। टमाटो मैंने थोड़े से चॉप करके रखे हैं और 2 टमाटो का मैंने प्यूरी बनाया, तो प्यूरी मैंने अभी ऐड कर दिया है। और इसमें खटास के लिए मैं मैंगो डालूंगी, तो कच्चा मैंगो मैंने कट करके रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़े से चॉप टमाटो। थोड़ा सा जीरा पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेने देंगे जब तक इसमें से ऑयल ना ये छोड़ने लगे। अभी मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे से, इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे इस तरह से। अब जो छोले हमारे पास थे, उसके हम जस्ट छोले इसमें डालेंगे, पानी इसका अभी नहीं डालेंगे, और इसको अच्छे से कर लेंगे थोड़ा सा मैश। थोड़ा सा कुक होने के बाद ये देखिए काफ़ी अच्छे हो गए हैं छोले। आप इसमें से थोड़े से ड्राई छोले निकाल सकते हैं पूरी के साथ के लिए। और थोड़े से मैं पानी ऐड कर रही हूँ, जो पानी मेरे पास बचा हुआ था, और इसे हम थोड़ी देर और कुक होने देंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जितना रिक्वायरमेंट हमें ग्रेवी के लिए पानी की ज़रूरत होगी उतना। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास और पानी डाल के इसे रस्सा इसका बढ़ा दिया है, और इसे एक बॉयल आने देंगे। अब ये रेडी हो गया है, तो इसमें हम हरा धनिया डाल के
थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसे रख देंगे साइड में। ये हमारा रेडी हो गया छोले। तब तक मैं एक सैलड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े से टमाटो, थोड़ा सा खीरा और ये जो मैंगो मेरे पास हाफ बच गया था ये मैं इसमें चॉप करके डाल रही हूँ। ये कच्चा वाला आम है लेकिन हल्का सा येलोइश हो जाता है इसका कलर, जिसे रखे रखे वो वाला है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा आता है, तो सैलड में बहुत अच्छा जाता है। तो इसे चॉप कर लिया है। बच्चे नॉर्मली सैलड नहीं खाते हैं बट मेरे घर पे मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है सैलड। वो स्प्राउट सैलड उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर जिस तरह ये चिकपी बॉईल करके रख लेते हैं तो मैं इसमें से थोड़ी सी ड्राई निकाल देती हूँ और वो वेजिटेबल के साथ इस तरह मिक्स करके अच्छा सा सैलड रेडी करके उसे दे दो तो वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पर वही मैंने किया है। इसमें थोड़े से छोले डाल दिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर। इसमें या तो काला नमक मैं ऐड करती हूँ या फिर ये सिकंजी मसाला है, ये काफ़ी चटपटा होता है, तो बस यही डाला है। इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा सिकंजी मसाला और ये मिक्स कर लेंगे इसे। और ये हमारा सैलड रेडी हो गया है। बिल्कुल बहुत ही क्विक है ये सैलड और बच्चों को बहुत पसंद आता है इस तरह का चटपटा सैलड। नेक्स्ट हम जीरा राइस बनाएंगे। तो राइस मेरे पास ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, तो मैंने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा घी ऐड किया है, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, और जैसे ही ये जीरा क्रैकल होता है इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे अच्छे से। और ये हमारे झटपट से जीरा राइस भी रेडी हो गए हैं। इसको इस तरह से चलाने के बाद थोड़ी देर लिड लगा के रख देंगे। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ मीठी लस्सी। तो मैंने यहाँ पे दही लिया है हाफ ग्लास और उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है शुगर पाउडर और बस इसे जस्ट फेंट लेंगे और हमारी लस्सी हो जाएगी रेडी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अब ये थिक है तो इसे पहले फेंट लेंगे, जब स्मूथ हो जाए फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ी सी पूरी बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आटा मैंने नहीं लिया है। आटे में मैंने चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी अजवाइन और घी, साथ में नमक डाला है और इसका डो बना लिया है। तो उसमें अजवाइन नमक होने की वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं, आप चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हैं पूरी में, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जस्ट थोड़ी सी पूरी मैंने बेलनी है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि राइस भी है, तो उसे रेडी कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो रहा है। गरम हो चुका है, इसे हम पूरी फ्राई कर लेंगे फटाफट से। और अब हमारा लंच बिल्कुल रेडी है। मैंने छोले रखे हैं, थोड़े से चावल और ये सैलेड। और ये मीठी लस्सी, एक पूरी और इस तरह से ये अनंत की फेवरेट थाली रेडी हो गई है। और साथ में मीठे में रखा है एक मैंगो रोल।
इसकी रेसिपी मैं आपको किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ था। और ये देखिए, सबसे पहले वो सैलेड ही खाएगा क्योंकि उसे सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चलिए, इसे तो पसंद आया लंच। थैंक यू मम्मा। वेलकम बेटा। और लंच के बाद थोड़ा सा हॉलिडे होमवर्क, क्योंकि काफ़ी सारा बर्डन रहता है बच्चों को हॉलिडे होमवर्क का, तो वो कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद प्रॉमिस किया है मूवी के लिए, तो पहले मूवी जाने से पहले हमें जाना है म्यूज़िक क्लास के लिए, क्योंकि अनंत म्यूज़िक में इंटरेस्ट है उसका, तो वो पियानो और गिटार दोनों ही सीखता है। तो आज उसका पियानो का टर्न है, तो मेरी ड्यूटी है उसे आज ले जाना। तो हम जा रहे हैं म्यूज़िक क्लास के लिए। 45 मिनट की क्लास होती है, उसके बाद हम मूवी के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है मूवी, और मूवी का टर्न है पापा का, तो पापा लेके जाएंगे मूवी के लिए। और अनंत है एक्साइटेड, और हम लोग जा रहे हैं परमाणु मूवी देखने के लिए। और बहुत लेट हो चुका है क्योंकि क्लास था, तो देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं। हमें टिकट मिल गई और अब हम एंजॉय करेंगे मूवी। के बाद थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि मम्मा को तो शॉपिंग करनी होती है, लेकिन बच्चों को शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि ये जब हम शॉपिंग करते हैं तो अनंत क्या करता है। ये थोड़े से बहुत अट्रैक्टिव से कुछ आइटम मुझे दिखे यहाँ पे, कि छोटे छोटे मिनी ग्लासेस हैं जिन पे अलग अलग तरह के कोड्स लिखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये अनंत बैठा है, कोने पे कोई भी जगह मिल जाए बैठने के लिए वहां बैठ के इन्हें गेम खेलना है। चलो ना, क्योंकि इनका शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब इनका फेवरेट पार्ट, इनकी फेवरेट राज कचौरी। इस तरह से पूरी मस्ती और खाने पीने के बाद हम जा रहे हैं घर वापस। मूवी बहुत अच्छी थी,
आपने देखी है तो मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको वो कैसी लगी। हमने काफ़ी इन्जॉय किया और मूवी के बाद घर पर आके अनंत का थोड़ा सा म्यूज़िक का रियाज। और इसी तरह ये ब्लॉग ख़त्म होता है, ब्लॉग या वीडियो आप कह सकते हैं। होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा, और लाइक करें वीडियो को, उससे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया।